Honeysuckle is a beautiful flower. अब यू नो एक्चुअली में हर फ्लावर देख के लगता है कि हम सबको एक एक ले लेना चाहिए. Those who live much in the past, perhaps a time of great happiness or memories of a lost, you know, sorry, women, मैं भी लड़की हूँ फिर भी बता रही हूँ. हम पापा मम्मी का घर छोड़ के ससुराल में आ जाते हैं, बट स्टिल वी कंपेयर विद आवर पेरेंट्स. दैट इज हनी सकल. मेरे पापा के घर पे ही अच्छा था, मेरे माँ के घर पे ही अच्छा था, मेरे वहां पे वही 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 हमारे दिमाग उधर ही जाती है. दैट इज हनी सकल. ओके, आवर ब्रेन इज स्टक इन द पास्ट और उसको और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, मेजरली हम लोग हमारे पापा और हस्बैंड को भी बहुत कंपेयर करते रहते हैं. आई मीन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. या आप किस किस को और कंपेयर करते हो जिसमें आपको अनकंफर्टेबल लगता है प्रेजेंट में? कोई प्रेजेंट की चीज आप अनकंफर्टेबल लग रहा है बिकॉज ऑफ योर पास्ट थिंकिंग, दैट इज हनीसकल. ओके, stuck in the past, thoughts, excessive focus on the past, excessive focus, let go nahi ho sakta because they are trapped in the past. Sab kuch unka past se hi shuru hota hai, koi bhi cheez ho. Agar unse baat karoge to shuruaat hi wo past se karenge. Present normally हम इंसान प्रेजेंट में बहुत कम रहते हैं, इनफैक्ट रहते ही नहीं है, विच इज रियली ट्रू. सो वी ऑल कीप ऑन कंपेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट पास्ट. ठीक है, नॉट ओनली वन सिनेरियो बट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट पास्ट, हम उसी में लगे रहते हैं. When the past plays an important role, excessive attachment to past connection, past ideas, we keep on talking about it, we keep on thinking about it. वो जो memory होता है वो बिल्कुल play mode पर ही चलता रहता है. ठीक है, any good past which is known as nostalgia, right? कोई भी good past हो, that is also good actually. Now recent past which is bitter or recent past which is more deeper, anything which is very very deep in your emotional system. जैसे ग्रीविंग, ग्रीविंग इज अगेन पास्ट. लाइक किसी का डेथ हो जाए तो वो उधर ही अटका रहेगा, ही और ही विल नॉट कम एंड एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट. डिवोर्स, ब्रेकअप, चाइल्डहुड ट्रॉमा, शिफ्टिंग होम इज ऑल्सो एट टाइम्स बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर मेनी पीपल बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू शिफ्ट होम, स्पेशली ओल्ड पीपल. वो लोग घर नहीं बदलना चाहते हैं. चेंज करना बहुत, सी जिंदगी में एक ही चीज है, चेंज आपके हाथ में, बाकी कुछ नहीं है. यू कीप ऑन मेकिंग चॉइसेस इन योर लाइफ, दैट इज द ओनली थिंग यू हैव, और कुछ नहीं है आपके घर, आपके पास ना घर ना बार. बट देन घर को लेके इतना पकड़ में बैठे रहते हैं हम लोग कि वी डोंट वॉन्ट टू चेंज बिकॉज उसमें पास्ट देखते हैं हम लोग, उसमें पास्ट मेमोरीज होती है हमारी, उसके ऊपर हम लोग स्टक हो जाते हैं. एनीथिंग विच जो जिसको आपको करना है पर आप कर नहीं पा रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लम. इफ यू आर हैप्पी देन दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. ओके, ग्रीविंग, किसी के घर पे डेथ हो जाए तो प्लीज उनको हनी सकल दे देना. एसओबी तो है ही, वो तो बाय डिफॉल्ट एसओबी देना ही पड़ेगा हर चीज के लिए, स्टार ऑफ बेथलेम. बट हनी सकल इज फॉर यू नो कमिंग आउट फ्रॉम द पास्ट. डिवोर्स हो रहा है, ब्रेकअप हो गया, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, फिजिकल अब्यूज हो गया, इमोशनल अब्यूज हो गया, कुछ भी ऐसा चीज जो ट्रॉमेटिक है जो प्रेजेंट में नहीं है, वो कुछ काम ही कुछ कर रहा है पर वो कुछ और सोच रहा है, कहीं और है, दैट इज हनी सकल.
लैक ऑफ फोकस, बच्चों में कंसंट्रेशन की कमी, हनी सर्कल. स्कार्स, हनी सर्कल जो है सेलुलर मेमोरी, आप लोगों को पता होगा. डू यू गाइज नो व्हाट इज सेलुलर मेमोरी? कभी सेल का पूरा डायग्राम देखना, उसमें एक मेमोरी होती है, हर सेल की मेमोरी होती है. इसीलिए हम लोग ट्रॉमा को वापस 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 हमारा ब्रेन रिमाइंड करता है, वहां पे जाके ये काम करता है. ठीक है. पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हनी सर्कल, बिकॉज एट टाइम्स पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज ऑफ नो यूज. प्रेजेंट में डील कर रहे हैं ना हम लोग, प्रेजेंट डील कर लो ना. क्यों वो पास्ट में जाके? ओके, एनीथिंग विच इज देयर फॉर यू टू हील यू. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हीलिंग चाहिए, तो नॉट अ प्रॉब्लम, बट टेक हनी सर्कल एंड देन डू द पास्ट लाइफ रिग्रेशन. ओके, होमसिक, हनी सर्कल. आई वॉज हैप्पी बिफोर आई गॉट मैरिड, हनी सर्कल. आई वॉज बॉर्न रिच बट अभी नहीं हूं, हनी सर्कल. ओके.